भारत ने NH-53 पर सबसे लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट में लगातार काम करके 75 किलोमीटर बिटुमिनस लेन बनाकर मुकाम हासिल किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए 720 मजदूरों और स्वतंत्र सलाहकारों के एक दल ने लगातार दिन रात काम किया था। गडकरी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि 75 किलोमीटर की एकल लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड की कुल लंबाई 37.5 किलोमीटर की दो लेन वाली पक्की सड़क के बराबर है। इसे बनाने का काम 3 जून को सुबह 7:27 पर शुरू किया गया था। ये 7 जून को शाम 5 बनकर तैयार हो गई। आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज अवर टीम हैज क्रिएटेड वन मोर वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई कॉन्ग्रेचुलेट the entire team of NHAI consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH-53 between Amravati to Akola. The total length of the 75 kilometer single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 kilometer of two lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 a.m. and completed on 7 June 2022 at 5 p.m. टोटल टाइम टेकन इज 105 hours and 33 minutes। परिवहन मंत्री ने कहा कि सबसे लंबे समय तक लगातार बिटुमिनस का पिछला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 25.275 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए था, जो फरवरी 2019 में दोहा कतर में हासिल किया गया था। वो कार्य 10 दिन में पूरा किया गया था। अमरावती से अंकोला खंड राष्ट्रीय राजमार्ग NH-53 का हिस्सा है। ये एक महत्वपूर्ण गलियारा है जो कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है।